क्या हुआ जब केदारनाथ में आई भयानक बाढ़ से भक्तों को बचाने आए स्वयं महादेव हाल ही में 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन केदारनाथ में बादल फटने से आई भयंकर त्रासदी में 4000 लोगों की जान दाव पर लगी तो आखिर कैसे महादेव ने चमत्कार करके बचाई अपने भक्तों की जान आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार से आपका परिचय कराने वाले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है तो हर परिस्थिति में वो उसकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं आगे बढ़ने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है जिसकी यात्रा बहुत कठिन होती है और जब इस कड़ी चढ़ाई को पार करके भक्त अपने भगवान के दर्शन करता है तो वो धन्य हो जाता है उसके अंदर ना तो अभिमान होता है और ना ही किसी प्रकार का मोह लेकिन कभी कभी ये यात्रा भक्तों के लिए इतनी खतरनाक साबित होती है कि उनकी जान पर भी बन आती है। जुलाई 2024 के महीने में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में भयंकर वर्षा का प्रकोप बरस रहा था लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ यात्रा के लिए कई श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे थे इन्हीं में से थे सुमित शुक्ला कृष्ण पटेल मन्नू चिराग और सचिन ऋषिकेश में कुछ दिन बिताने के बाद में ये लोग जुलाई के महीने के अंत में केदारनाथ के लिए रवाना हो गए लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये यात्रा जिंदगी में वो कभी भुला नहीं पाएंगे पांचों ही दोस्त एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए थे बुधवार की रात करीब साढ़े बजे केदारनाथ यात्रा करते हुए वो पाँचों दोस्त लिंचोली के समीप जंगल छट्टी में पहुंचे थे उस समय तक यात्रा के दौरान हल्की फुल्की बारिश हुई थी लेकिन अचानक से एक तेज आवाज आई जिसने सभी को भयभीत कर दिया ये आवाज ऐसी लग रही थी मानो भयंकर बम विस्फोट हुआ हो तभी सबने महसूस किया कि वर्षा का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गया है बादल फटने से गोरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद में भीमबली में 20 से 25 मीटर का मार्ग बह गया था तथा पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे इसके बाद में रामबाड़ा भीमबली लिंचोली का रास्ता पूरे तरीके से बंद हो गया था जिसके बाद में भयंकर वर्षा से केदारनाथ यात्रा रूट पर तीस मीटर की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई सुमित शुक्ला कृष्ण पटेल मन्नू चिराग और सचिन बहुत ज्यादा घबरा गए थे इस भीषण वर्षा के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अनियमित काल तक रोक दिया गया वो पांचों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर खड़े थे जहाँ कुछ सामान्य यात्री और कुछ खच्चर वाले भी मौजूद थे लेकिन समय के साथ वर्षा का प्रभाव बहुत तेज गति के साथ बढ़ता जा रहा था ऐसी खबर आ रही थी कि रामबाड़ा स्थित पुल भी भयंकर वर्षा के कारण बह चुका है ऊपर से गिरते बड़े बड़े पत्थर यात्रियों के भय का कारण बन रहे थे इसी बीच पानी का एक भयंकर प्रभाव भीम बली में उसी क्षेत्र में आया और वो पांचों दोस्त उस बाढ़ के प्रभाव में बह गए लेकिन सचिन को एक खच्चर वाले ने पानी में डूबने से बचा लिया जिसने अपने चारों दोस्तों के पानी में बह जाने की जानकारी उनके परिवार वालों और प्रशासन तक पहुंचाई, प्रशासन ने भी तुरंत बचाव दल भेजा और वो सचिन को भी किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहते थे लेकिन सचिन अपने दोस्तों के ठीक होने की खबर सुने बिना शांति से बैठने को तैयार नहीं था उसका कहना था कि या तो वो अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएगा या फिर वो खुद भी नहीं आएगा लेकिन सेना द्वारा जबरदस्ती उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और उन सभी लोगों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया जिसके बाद में सचिन के चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन पांच से सात घंटे के बाद भी उनका कोई पता नहीं लग पाया सभी लोग अंदेशा लगा रहे थे कि इतनी भयंकर बाढ़ के कारण उनकी जान नहीं बच पाई होगी उनकी जान बच पाना मुश्किल है लेकिन सचिन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था उसे महादेव पर विश्वास था अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में चार हजार से अधिक भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका था लेकिन सचिन के चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चल पाया था इस रेस्क्यू में अब वायु सेना ने भी अपनी हिस्सेदारी निभा ली थी जब उन चारों दोस्तों के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली तो सूचना मिलने के तुरंत ही बाद लापता हुए चारों दोस्तों के स्वजन केदारनाथ के लिए निकल गए रात साढ़े बारह बजे तक वो उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे उन्हें जानकारी मिली थी कि ऋषिकेश के अस्पताल में कुछ लोगों को लाया गया है हालांकि अभी तक उनके बच्चों का पता नहीं चल पाया था जहां उनकी मुलाकात सचिन से भी हुई सचिन के अंदर बहुत ज्यादा अफसोस था क्योंकि वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था लेकिन मन्नू के पिता जिनका नाम अनुराग था वो सभी को एक हिम्मत दे रहे थे, कि हमारे बच्चे बाबा के की में गए थे। अगर उनकी नियत साफ थी अगर उनकी भक्ति सच्ची होगी तो ये बाढ़ उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी और महादेव उनकी सुरक्षा जरूर करेंगे अब उस घटना को एक दिन बीत चुका था लेकिन चारों दोस्तों का कोई भी पता नहीं लग पाया था तभी सुबह होते होते सभी लोग अपनी उम्मीद भी छोड़ चुके थे लेकिन तभी सेना के द्वारा एक खबर आई जिसमें ये पता चला कि चार युवक मछुआरे के जाल में फंसे हुए मिले हैं उनकी पहचान करने के लिए परिजनों को बुलाया गया वो लोग कई किलोमीटर दूर गांव के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे जहां उन्होंने सुमित शुक्ला कृष्ण पटेल मन्नू और चिराग को बेहोश अवस्था में पाया लेकिन महादेव का चमत्कार ये था कि वो एकदम सही सलामत थे और मंदाकनी नदी के बाढ़ के प्रभाव में बहते बहते इस गांव तक पहुंच चुके थे कुछ मछुआरों का कहना था कि रात्रि के समय उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कुछ जाल नदी के अंदर बिछाए थे जब हम सुबह उस स्थान पर पहुंचे तब हमने देखा कि हमारे जाल एक पेड़ में फंसे हुए थे जिसमें ये चारों युवक मौजूद थे ये महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है कि आज आपके चारों बेटे सही सलामत आपके सामने हैं, वरना 2013 में आई भयंकर बाढ़ में कई हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी सचिन भी अपने चारों दोस्तों को सही सलामत देख बहुत खुश हुआ इस पूरी घटना के पीछे मनु के पिता अनुराग जी भी तारीफ के हकदार तो हैं, क्योंकि इतनी भयंकर स्थिति में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा और दूसरों का भी हौसला बढ़ाया और महादेव के प्रति विश्वास बरकरार रखा और उनके विश्वास का नतीजा कुछ यूँ आया कि चारों दोस्त एकदम सही सलामत मिले उन्हें दो से तीन डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद वो अपने परिवार के साथ पुनः गाजियाबाद चले गए केदारनाथ धाम बारिश के मौसम में भयंकर वर्षा के कारण अत्यधिक भयानक हो जाता है साथ ही में हम तारीफ करते हैं सेना के उन जवानों की एनडीआरएफ ने रात में ही मोर्चा संभाला देहरादून से लेकर केदार घाटी तक प्रशासन और शासन पूरे तरीके से एक्टिव मोड में रहा स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और नदी किनारे की जगहों को खाली कराया गया बादल का फटना या क्लाउड बस्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक भारी बारिश होना होता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर दायरे में एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल का फटना कहलाता है अक्सर दोस्तों ऊंचाई वाले ऐसे तीर्थ स्थलों पर या अन्य जगहों पर ऐसी घटना होनी सामान्य सी बात है यात्रियों को चाहिए कि वो मौसम का मिजाज देखकर और समय के अनुरूप ही ऐसे स्थानों पर जाएं। तो दोस्तों यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद